हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोमिता और आज मैं बनाऊंगी ओट्स उपमा। ओट्स उपमा बनाने के लिए मैंने यहां पे कुछ सामग्री ले लिया है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओट्स उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये कुछ सब्जी है। इसमें मैंने लिया है यहाँ पे, ये है गाजर, ये कैप्सिकम, ये है परवल, ये आलू और कुछ हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख दिया है। सब्जी टोटली ऑप्शनल है, आपको जो मनपसंद सब्जी आप पसंद करते हो उसे आप डाल दीजिए। ओट्स लिया है मैंने 250 ग्राम ओट्स है, बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मैंने यहाँ पे टमाटर रख दिया है। और ये है घी, जिसे मैं एकदम लास्ट में एंड में इसके दूंगी गार्निश के लिए। और कुछ खड़े मसाले में मैंने लिया है, ये है छोटी इलायची 4 जो खोल के रख दिया है, लौंग है 4, एक दालचीनी, स्वाद अनुसार चीनी, नमक, हल्दी और थोड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं लिया है। अब आपका तीखा पसंद करते हो तो थोड़ा ज़्यादा दे सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे ऑलिव ऑयल से मैं इसे बनाऊंगी। तो मैं आज बना सब्जी के साथ ओट्स उपमा। मैं गैस ऑन कर रही हूँ। गैस ऑन करने के बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए ये ऑलिव ऑयल, क्योंकि मुझे सारा सब्जी जो है उसे बॉयल फ्राई करना होगा। लेकिन ऑलिव ऑयल जो है उसे ज्यादा तेज गर्म नहीं करूंगी मैं। यहाँ पे दे रही हूँ एक दालचीनी, ये 4 छोटे इलायची, 4 लौंग, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आज जो मैं बना रही हूँ ओट्स उपमा, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आलू। ये है परवल, इसे भी डाल दीजिए साथ में। ये गाजर मैं आधे नींबू भी रखी हुई हूँ लास्ट में देने के लिए। मिर्च दे देती हूँ, साथ में ये जो है हरी मिर्च है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख दिया है, इसे भी दे दिया। अभी मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, डाल दीजिए स्वाद अनुसार। ये हल्दी, हल्दी पाउडर दे दीजिए थोड़ा सा, लाल मिर्च और ये चीनी मैं एक ही साथ इसको डाल देती हूँ। लाल मिर्च में मैं हाथ नहीं लगाना है चाहती, इसे मैंने दे दिया मसाला। बारीक कटी हुई टमाटर, ये है ओट्स, 250 ग्राम ओट्स है, इसे भी दे देती हूँ। इसमें पानी डालना होगा, थोड़ा सा अंदाज से हिसाब से पानी आप डाल दीजिए क्योंकि इसे बॉयल कर होना
उसको बॉईल करूंगी। तो पानी थोड़ा सा यहाँ पे डाल दीजिए। और शायद 5 से 7 मिनट ही लगेगा बॉईल होने में। मैं ढक देती हूँ इसे 5 से 7 मिनट बॉईल करने के लिए, तब तक रेडी हो जाएगी मेरी। 7 मिनट हो गया है, एक बार मैं देख लेती हूँ। मेरी ओट्स उपमा बन के रेडी हो गई है। और कुछ नहीं करना है इसे, एकदम लास्ट में ये जो घी रखी थी इसे मैं दे देती हूँ। अच्छी तरह मिला लूंगी। मेरी ओट्स उपमा बन के रेडी हो गई है, मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी ओट्स उपमा रेडी हो गई है। मैं एक आधा नींबू यहाँ पे दे देती हूँ और एक हरी मिर्च के साथ। आप इसे टेस्ट करके देखिए, अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।